आदाब दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रांड की दुनिया में। आज हम बात करेंगे करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2। जी हाँ, तकरीबन 6 साल बाद, स्टूडेंट ऑफ द ईयर के 6 साल बाद उसकी ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट आई है। पहले पार्ट में आलिया भट्ट, वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा लॉन्च हुए थे। फिल्म सुपरहिट थी। सिद्धार्थ मल्होत्रा ख़त्म हो चुके हैं, आलिया भट्ट और वरुण टॉप पे हैं। अब आ रही है दूसरी इंस्टॉलमेंट। इसमें द करंट एक्शन किंग ऑफ बॉलीवुड टाइगर श्रॉफ हैं और उनके साथ दो डेब्यूटेंट्स तारा सुतारिया और चंकी पांडे, कॉमेडियन चंकी पांडे की लड़की अनन्या पांडे। जी हाँ, ऑलरेडी उस लड़की को ऐश्वर्या राय से मिला रहे हैं, करीना कपूर से मिला रहे हैं। शी हैज़ द लुक्स, शी हैज़ दैट क्यूटनेस, दैट एक्स्ट्रा चार्म। और तारा सुतारिया फिल्म के डायरेक्टर हैं, शायद पुनीत मल्होत्रा उनकी गर्लफ्रेंड है। भैया फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है तो समझ सकते हैं ना। अनन्या पांडे को कुछ ऐसा नहीं करना पड़ेगा बिकॉज शी इज़ चंकी पांडेज डॉटर और इतनी हैसियत है पांडे साहब की फिल्म इंडस्ट्री में 30 साल से ऊपर दिए हैं कि भैया उनकी बेटी को ये सब फेस ना करना पड़े। वैसे भी नेपोटिज्म के किंग करण जौहर बैठे हैं ऐसे बच्चों को लॉन्च करने के लिए, बट दिस गर्ल डिजर्व्स टू बी लॉन्च्ड। बहुत क्यूट है, बहुत स्वीट है, एक्टिंग टैलेंट आसपास भी हुआ तो शील गो प्लेसेस। कंपैरिजन में ओम फैक्टर तारा सुतारिया में याद है, शी हैज़ दैट एक्स्ट्रा सेक्स अपील, बट जो एक बॉलीवुड एक्ट्रेस में चाहिए, एक प्रॉपर बॉलीवुड एक्ट्रेस में, दैट्स अनन्या पांडे। तारा सुतारिया इज़ मोर ऑफ एन आइटम गर्ल। आई डोंट नो अबाउट हर एक्टिंग स्किल्स, वो तो फिल्म देख के पता लगेगा। ट्रेलर में तो दोनों वीक लग रही हैं टू बी फ्रैंक। हमारे टाइगर भैया भी, भैया डांस के किंग हैं, एक्शन के किंग हैं, बट एक्टिंग में थोड़े ढीले हैं। पर चलो, लड़का एक रेयर मिक्स है ब्रूस ली और माइकल जैक्सन का, यही अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। विद एज ही विल लर्न टू एक्ट, बट आई डोंट वॉन्ट टू लीव हिम टू लीव हिज रूट्स, दैट्स डांसिंग एंड एक्शन। क्योंकि इंडिया को जैकी चैन चाहिए, ब्रूस ली चाहिए, माइकल जैक्सन चाहिए। ऋतिक रोशन ने कुछ ग्लिम्प्स दिखाए थे माइकल जैक्सन के, पर एक्टिंग का भूत ऐसा सवार हुआ, वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म होके बैठा हुआ बेचारा। उसकी अगली फिल्म सुपर 30 का कोई खास चार्म ही नहीं है। एक टाइम पे खान से टकरा रहा था, अब तो भैया उसके खुद की व्हाट टू से। एज फार एज द कंपैरिजन ऑफ बोथ द गर्ल गोज, इन सेक्स अपील इट्स तारा सुतारिया, इन क्यूटनेस इट्स अनन्या पांडे। इन शॉर्ट, बॉलीवुड एक्ट्रेस का परफेक्ट मिक्स अनन्या पांडे और आइटम सॉन्ग्स और ये जो बड़ी बड़ी पार्टीज़ होती हैं, अवार्ड शोज़ होते हैं, उन पे डांस करने के लिए, कमर मटकाने के लिए तारा सुतारिया इज़ परफेक्ट। बाकी मूवी विल टेल द फेट। 15 से 20 करोड़ की बॉक्स ऑफिस इंडिया में ओपनिंग की उम्मीद की जा रही है और कर भी जानी चाहिए। रेस्ट ऑल डिपेंड्स ऑन वर्ड ऑफ माउथ। द ट्रेलर हैज़ गॉट मिक्स रिस्पॉन्स, इट्स नॉट दैट ग्रेट, बट लेट्स सी, करण जौहर है तो कुछ ना कुछ तो डाला होगा। बाकी वो अपनी फेक मीडिया से भैया इसको सुपर हिट तो प्रूफ कर ही देगा ना, जब उसने वो कौन सी रद्दी फिल्म थी, और जानवी की धड़क आई थिंक सो, उसको कर दिया तो भैया ये तो उससे एक कदम बेटर ही होगी। आपका होस्ट, आपका दोस्त, द नंबर वन मूवी क्रिटिक, क्रिकेट एनालिस्ट, द ब्रांड अमित दत्ता जल्द ही आएगा स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के रिव्यू के साथ। अल्लाह हाफिज़।